हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट इन। चीन के वुहान से निकला यह कोरोना वायरस दुनिया में तबाही की वजह बन चुका है, मगर ऐसा ना हो इससे मरने वालों का आंकड़ा उस आंकड़े को भी पार कर जाए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्लेग की, जो इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड बना चुका है। दोस्तों यह पहली बार नहीं कि किसी बीमारी को महामारी घोषित किया गया है, इससे पहले भी और भी महामारी हुई है। आज उन्हीं महामारी का जिक्र करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दुनिया के इतिहास में कई ऐसी काली रात आई जो मौत के नाम हो गई। वह काली मौत थी जो बार बार आई और जब भी आई अपने साथ लाखों की जान ले गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, जिसने भी दिन का सूरज देखा वो रात का चांद देखने से पहले ही अलविदा हो गए। यह घटना है यूरोप की 14वीं शताब्दी की, जिसने देखते ही देखते पूरा यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया। फिर एशिया और अफ्रीका में कहर बरपाते हुए अचानक खत्म हो गई। उस घटना को ब्लैक डेथ नाम दिया गया। साल 1347 महीना अक्टूबर, यूरोप में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। बंदरगाहों पर व्यापारिक जहाज लौट रहे थे, किसी को अपने परिवार वालों का इंतजार था तो किसी को अपनों के आने का। जहाज बंदरगाह के तट पर आने लगे थे, लगभग आधा दर्जन जहाज जमा हो गए, लेकिन जहाजों में कोई हलचल नहीं। कई समय से जहाज से कोई उतरा नहीं। किसी ने जाकर जहाज पर देखा तो मंजर बहुत ही भयावह था। जहाज पर हर तरफ लाशों की ढेर। जहाज के कप्तान किसी तरह उन लोगों को उनके घर तो ले आए थे, पर मुर्दा कोई जिंदा भी था तो लाशों के ढेर में दबे आखिरी सांस गिन रहा था। दरअसल यह प्लेग था और यह बीमारी भी चीन से ही शुरुआत हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों के चेहरे काले पड़ने लगे। लाशों को जहाज से उतारा गया और उसे दफनाया गया। इस काम में सुबह से शाम हो गई। कुछ ही देर में और लोगों की तबीयत खराब होने लगी और पता चला कि ये लोग जहाज से आए नहीं थे। जो मरीजों की सेवा कर रहे थे वे लोग भी बीमार होने लगे। देखते ही देखते कई लोग बीमार होने लगे। दरअसल 1346 में यूरोप के जहाज चीन पहुंचे थे। उस वक्त वहां प्लेग का कहर था और कहर से प्रभावित काले चूहे जहाज में सामानों के साथ सवार हो गए थे और वही इस बीमारी को चीन से यूरोप ले आया था। कुछ ही हफ्तों में प्लेग एक शहर से दूसरे शहर, फिर गांव और कस्बों में फैलने लगे। इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि महीनों में प्लेग अफ्रीका, इटली, स्पेन, कई देशों में फैल चुका था। करीब 3 साल और बीत चुके थे। मौसम में बदलाव आया, उस संक्रमण का असर कम होने लगा। प्लेग का कहर रुक गया था, लोगों ने राहत की सांस ली। 1894 में प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता चला और खोज उसके रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार किया गया, किंतु राहत आज भी नहीं है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि प्लेग धरती से खत्म नहीं हुई है। आज भी रह रहकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लेग से मौतें होती रहती है। जब तक लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे प्लेग का शिकार होते रहेंगे। उन्नीस से 1975 हैजा महामारी, कोलेरा पेंडेमिक। विप्रो कोलेरा बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है, वैश्विक रूप से हैजा की महामारी का कारण बना। यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया था, जहां से ये बांग्लादेश और फिर भारत तक पहुंचा। कोलकाता के खराब जल संचय प्रणाली ने इस शहर को भारत में हैजा की महामारी का केंद्र बना दिया था। दरअसल हैजा की 7 श्रेणियों में से तीसरी श्रेणी का हैजा सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, मगर इसका प्रकोप साल 1852 से 1860 के दौरान सबसे अधिक था। हालांकि 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साल 1968 से 1969 फ्लू महामारी। 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैला और 2 महीने के अंदर भारत पहुंच गया। इस बीमारी ने 1968 और 1969 के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 4 मिलियन लोगों की मौत हो चुका था। 1974 चेचक महामारी। चेचक 2 वायरस, वेरियोला मेजर, वेरोला माइनर। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में चेचक के 60% मामले भारत में रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक
विषैले थे। इस खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था और भारत की मदद के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने भारत को कुछ चिकित्सीय सहायता भी भेजी और मार्च 1977 में भारत चेचक से मुक्त हुआ। फिर 2002 से 2004 के बीच आई SARS वायरस। 21वीं सदी में SARS पहली गंभीर बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली थी। SARS वायरस लगभग कोरोना COVID-19 के समान ही था, जिसे SARS-CoV नाम दिया गया था। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींकने के माध्यम से फैलता था। 2006 में आया था डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप, और आप जानते हैं डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप दोनों ही मच्छर जनित विशिष्ट रोग थे। 2014-15 में आया स्वाइन फ्लू का प्रकोप, इस वायरस ने भी लगभग 2000 लोगों की जान ले ली थी। 2018 में आया निपा वायरस का प्रकोप। जैसा कि आप जानते होंगे कि निपा वायरस चमगादड़ों के कारण संक्रमण शुरू हुआ था, और अब 2019 में कोरोना COVID-19 एक नई बीमारी है जो 2019 से शुरू हुई है। दोस्तों, ये जितने भी वायरस है, यदि उचित स्वच्छता और संयमित दिनचर्या अपनाई जाए, इनमें से कई रोगों को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।